तो 71 साल से तू लगा ले लो चाय। लगा ले भाई। दुकान 125 साल पुराना दुकान है। 125 हमारे परदादा जी से चलते आ रहे। तो भाई अभी हम आ पहुँचे हैं नंदू जी कचौड़ी वाले, स्वर्गीय नंदू जी कचौड़ी वाले के यहाँ, जो कि 110 साल पुराना आउटलेट है और पटना सिटी चौक पे ही है खास। कभी आगे दुकान आगे हुआ करता था किसी ज़माने में, अब पीछे हो गया है भाई। 110 साल पुरानी ये दुकान है। देखते हैं क्या खास बात है यहाँ पे और क्या इसको अलग बनाती है, क्यों आखिर 110 साल से इनका जो प्रेस्टीज है अभी तक बना हुआ है। तो फिर हाँ, देर किए हुए चलते हैं उनके सुपुत्र के पास। उनके जनरेशन ये दुकान चला रही है, तो अभी यहाँ पे बातचीत नहीं कर सकते। देख रहे होगे कितना रश अभी से ही आना चालू हुआ है, जबकि अभी पहला का पहला जो घानी होता है ना तैयार होके निकला है और हम कोशिश करेंगे इंटरेक्ट करने की। और ये सब्जी के साथ देते हैं, आलू दम के साथ लेके आते हैं वहाँ से और उनको प्राइस बताते हैं, टाइमिंग से पूछेंगे कब कितने बजे से कितने बजे तक खुलता है। अभी चलते हैं। हाँ भाई, तो चाचा जी से मांगते हैं। चाचा एक जगह दे ना, चार कचौड़ी और दो आलू। ओ भाई क्या सुंदर लग रहा है भाई, देखो। हाँ भाई, कचौड़ी 5 रुपये पीस और जो आलू पर पीस, आलू 5 रुपये पीस, ठीक है। और यहाँ पे साथ ही आपको चना, आलू और चना का आलू दम बेसिकली मिलेगा आपको देखने को यहाँ पे। साथ ही ये छोटी छोटी कचौड़ी, पटना का सबसे छोटा कचौड़ी आपको यहाँ पे मिलेगा। स्टार्ट उन्होंने 1 रुपये से करा था, बता रहा हूँ, जो कि प्राइस आज 5 रुपये हो चुका है। तो ये हो गई। और खुलने का टाइमिंग सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक। अभी इसको क्रश कर रहा हूँ, देखो कितना खासा है ये। इसको जैसे ही तोड़ा तो ये देखो भाई, सत्तू थोड़ा थोड़ा, जिस हिसाब से प्राइसिंग है उस हिसाब से सत्तू लगा हुआ है। देखते हैं कि क्या अलग है एग्जैक्टली। आखिर पहले इसको ग्रेवी के साथ डिप करके आज के टाइम में सही बात है कि किस हिसाब से मेंटेन करते हो क्वालिटी को, वो डिपेंड करता है। 500 के प्राइस में आज के टाइम में कहीं भी आपको बड़ा बड़ा कचौड़ी देखने मिलेगा, बट ये छोटा है। बट जो मटेरियल यूज़ किया गया है ना, बहुत सही होता है कि खाने के बाद आपको ढका रहा है या अजीब सा लग रहा है कंठ में, अनचुकारी टाइप का आ रहा है, पर बिल्कुल ऐसा नहीं है। शुद्ध तेल का यूज़ किया गया है और क्वालिटी के मामले में कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं भाई। जो प्रॉपर ऑथेंटिक सरसों तेल होता है ना, उसका यूज़ किया गया है। मुझे खाने दोगे, देखते रहोगे ना, खाने दो यार। और आलू को भी एक बार तोड़ के मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखो कितना सॉफ्टली टूट गया ये आलू। मैं इसे फिनिश करूँगा और मिलता हूँ आपसे अगले स्टॉप। हाँ भाई, तो अभी हम जिस जगह पे हैं, मेरी आंखों की चमक बता रही होगी, कुछ ऐसा हमें कुछ मिला है जो मतलब होता है ना कि हम बिना दिखाए रह ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा रश है। और रश क्यों है, किन के कारण है? तो भाई यहाँ पे कला जो है वो है ये चाय, और जो कलाकार हैं यहाँ जो चाय सर्व कर रहे हैं वो तो किशोरी जी चाय वाले। 71 साल से ये पटना सिटी में चाय सर्व कर रहे हैं। तो 71 साल से तू लगा ले लो चाय, लगा ले भाई। तो की खास है तो चाय में यहाँ पे लोग आवक, लोग पागल का है चाय ला। दूध बढ़िया है, पत्ती बढ़िया है, इलायची डालते हैं, इलायची डालते हैं, दूध बढ़िया है, मिलावट के इस दौर में यहाँ पे शुद्ध चाय मिलेगा आपको। कैसे बढ़ा है चाय से? 10 रुपये कप है, 5 रुपये हाफ है। 10 रुपये कप और कटिंग जो बोलते हैं आप, हाफ 5 रुपये। हाँ, और आप देख सकते होंगे यहाँ पे कोयला अभी चढ़ा हुआ है मस्त सा, और बस निकला ही जा रहा है दूध, चाय निकला ही जा रहा है, निकला ही जा रहा है। और कैसे स्टार्ट हो लोली, कितने साल की उम्र से स्टार्ट कर लो?
17-18 बरस से आज तक कर रहे हैं काम कर रहे हैं आप और पटना सिटी के लोगों को चाय पिला रहे हैं। तो सुबह कितने बजे खोल देखो दुकान? 6:30 बजे खुलता है। 6:30 बजे खुलता है, शाम में कितना बंद होता है? 11 बजे। 11 बजे रात में? भाई मतलब ऐसा लगता है कि चाय लवर्स के लिए बहुत बेजोड़ स्पॉट होने वाला है। तो अभी तक आपको नहीं पता था इसके इस जगह के बारे में, अगली बार आके चाय ज़रूर यहाँ पे ट्राई करना। और पटना सिटी के लोकल लोग फिर भी नहीं पता है तब कमेंट करके ज़रूर बताना और यहाँ पे चाय ज़रूर ट्राई करना। मैं भी चाय ट्राई करूँगा और फिर एक चाय दो ना। देखो यार मैं एक्चुअली एक्साइटेड हूँ बिकॉज मैं एक मैं कितना चाय का शौकीन हूँ ये बात आपको ही पता होगी। देखता हूँ चाय में आखिर क्या है। शुभम भैया को पूछा जाता है चाय? हाँ भाई जैसा तू बोल लूँ मतलब एक कला के एक कलाकार समझा सके अच्छा से। खुद से चाय बनाओ को ना, चाय पत्ती का बिल्कुल अच्छा मात्रा और रस देखो भाई, इधर रस देखो गली में है। अच्छा एड्रेस बताओ तो कहाँ है एग्जैक्टली? चौक सरकारी बाजार, सरकारी बाजार, सरकारी बाजार महावीर मंदिर के पीछे। भाई बोलना मत और किशोर जी तुम्हारा से बात करके बहुत अच्छा लग रहा, बहुत मजा लगा तुम्हारा से बात करके, शुक्रिया। और भी हम चाय को एंजॉय करते हैं सही में, जो इसका चाय का फ्लेवर है बहुत स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है इलायची का इस चाय में। एक चाय किशोर जी के नाम पे। स्टे ट्यून्ड यार, अभी पीने दो चाय प्लीज। अगला स्टॉप और बात करें तो भैया कैसे हैं मसाले? 50 में भैया मसाला डोसा सर्व कर रहे हैं पटना सिटी में, मंडी चौक है वहीं के जस्ट अपोजिट में, मतलब कंगन स्ट्रीट से थोड़ा सा आगे आते हैं, बस उसके थोड़ा सा आगे बगल में ही है ये कार्ड जो लगाते हैं। और बोले तो पटना सिटी में एकमात्र ऐसा कार्ड है जो कि साउथ इंडियन क्यूजीन सर्व करते हैं। भाई यहाँ पे हम टेस्ट करने वाले हैं। भैया कितने बजे से कितने बजे तक लगाते हैं ये? शाम को दोपहर के 3:30 से रात को 11 बजे। दोपहर के 3:30 बजे से रात को 11 बजे तक ये खुला रहता है। आप इस बीच आओगे तो आपको ये मिल जाएंगे यहाँ पे। और गाइस अभी हम बोलते हैं कि भैया एक मसाला डोसा लगाइए। अच्छा भैया मसाला डोसा के अलावा कुछ रखते हैं आप? पनीर डोसा है। पनीर डोसा मतलब वेरिएंट है आपके पास पनीर डोसा? पनीर डोसा क्या प्राइस है? 80 रुपीज़। 80 रुपये? 80 रुपीज़ ओके। 80 रुपीज़ पनीर डोसा आपको पड़ता है। तो बटर डोसा 70 रुपीज़, मसाला डोसा 50 रुपीज़, बटर डोसा 70 रुपीज़ और पनीर डोसा 80 रुपये। तो भाई अभी देखो यहाँ पे दो कस्टमर से निकल रहा है, अभी हमारा भी मसाला डोसा निकलेगा तो थोड़ा हम आपसे मिलते हैं मसाला डोसा के साथ। और क्या भाई फाइनली हमारे पास मसाला डोसा आ चुका है जिसका की प्राइस 50 रुपये है। पहले आपको स्टफिंग दिखाते हैं, इधर आओ ये देखो क्या पता कर पा रहे हो। स्टफिंग में आपको यहाँ पे कैप्सिकम देखने को मिलेगा, कैरेट और ये देखो बादाम दाना, पनीर और गाजर तो आपको बता ही दिया और आलू का पूरा एकदम मस्त सा। अरे भाई तो अभी और जो एरोमा आ रहा है जस्ट अनबिलीवेबल, रोका नहीं जा रहा है। सांभर है इधर और ये रहा बादाम का चटनी, बादाम नारियल का चटनी जो कि बिल्कुल बादाम नारियल और उसका छौक लगा हुआ है राय से जो कि
ऑथेंटिक साउथ इंडियन क्यूजीन का सिग्नेचर होता है। ठीक है, तो अभी ये लिया डोसा, देन थोड़ा स्टफिंग विद सांभर इन इट। भाई कुछ तो बात है शिमला मिर्च से इसका टेस्ट थोड़ा इन्हांस हो गया है। ब्लैक पेपर पाउडर का काफ़ी ज़्यादा निखर के टेस्ट आ रहा है। और सांभर की बात की जाए ना, ज़्यादा थिन है ना ज़्यादा थिक है, बिल्कुल नॉर्मल है। और मैं बोल सकता हूँ 50 के कॉस्टिंग में ये काफ़ी ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो भाई मस्ट रिकमेंडेड प्लेस है, आओ। और आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट स्पॉट पे। इसी के साथ मुझे ये फिनिश करने दो फिलहाल। पटना सिटी फूड टूर का ये लास्ट है, गली चौराहे सीरीज का जो दूसरा सीज़न है उसका ये लास्ट स्पॉट है। तो नाम है श्री नंदन किशोर पान भंडार। और भाई लोकेशन क्या है? ये सिटी चौक सब्जी बाजार, सिटी चौक सब्जी बाजार, गुरुद्वारा रोड। गुरुद्वारा रोड। और भाई आपका नाम? दीपक सोनकर। कितने टाइम से है ये दुकान? दुकान 125 साल पुराना दुकान है। 125 परदादा जी से चलती है जी। और कितने वैरायटी के पान यहाँ पे हमें सर्व करते हैं? कम से कम 30-40 वैरायटी के पान है मेरे पास। 30-40 वैरायटी, दैट्स ह्यूज गाइस। और बनाइए भैया थोड़ा आज मगधी मीठा पान। हाँ, वो बनाएंगे। बना रहे मतलब यहाँ पे हमारा पान बन रहा है गाइस। और मतलब क्या बोले, अब देखो तो मतलब भंडारा है पान का लगा हुआ भाई। हाँ भाई, तो ये हमारे हाथ में आ चुका है मगधी मीठा पान जिसका कि प्राइस 20 रुपये है। और खुलने का टाइमिंग इनका सुबह 9 से रात के 11 बजे का शॉप खुला रहता है। तो आप इस बीच आओगे तो आपको ये शॉप मिल जाएगा। और भाई मैं ये खाऊं उसके बाद बोलने लायक नहीं है बचूंगा, इसलिए मैं पहले बोल रहा हूँ। मान्यता ऐसी है पुराने ज़माने से कि पान और पान खाने के बाद आपके जीभ पे जितना ज़्यादा लाल रंग चढ़ता है और मेहंदी लगाने के बाद आपके हाथ से उतना आपकी सांस मानती है। पता नहीं आपकी सांस कितना मानती है, आजमाना है तो आजमा लो जाके। और अगर आप शादीशुदा हो तो शायद आपको पता होगा, पता नहीं। खैर मैं पान का आदि नहीं हूँ बट स्टिल आई एम ट्राइंग दिस फॉर यू ओनली। तो अभी इस पान वाले नोट पे, पान वाले स्वीट नोट पे मैं इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। और मिलेंगे कभी और किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड लव यू ऑल एंड भाई।